हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के मेदू बड़े की रेसिपी। साथ में बनाएंगे दो बहुत ही टेस्टी और आसान सी चटनी की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को मैंने रखा है गैस पर, और गैस को मैंने ऑन रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में 3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अगर आप कटोरी से ले रहे हैं तो कटोरी से ही सारी चीज़ें नाप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 कप पानी डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद पानी में हल्का सा बॉयल आने देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सूजी, तो 2 कप के करीब सूजी डालेंगे इसमें। तो थोड़ा थोड़ा सूजी इस तरीके से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, नहीं तो सूजी की गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इस तरीके से डालते जाना है, मिलाते जाना है। अगर आप कटोरी से ले रहे हैं तो इस तरीके से आप 3 कटोरी पानी और 2 कटोरी सूजी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप सूजी, और इसे भी हम डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। और इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें इसे मिलाना है। नहीं तो अगर हम फुल फ्लेम रखेंगे तो जल्दी से पक जाएगा और ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा सा हो जाएगा। तो पहले हम इसे अच्छे से पानी के साथ मिला लेंगे, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ड्राई करेंगे। तो पहले इसे मैं डालकर मिला लेती हूँ, और जैसे ही हम सारी सूजी पानी में डाल देंगे, इसे हमें फटाफट चला लेना है गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए, क्योंकि जो पानी हमने डाला है वो सूजी तुरंत ही सोख लेगी। तो ये देखिए मिक्सचर तुरंत ही गाढ़ा सा हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में हमारी ये सूजी इस तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी ये सूजी तैयार हो गई है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमें ये सूजी का मिक्सचर तैयार करना है। तो इस सूजी के मिक्सचर को निकालते हैं एक दूसरे बर्तन में, ताकि ये जल्दी से हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके मेदू बड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, और इसमें मैं ये सूजी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सूजी को एक बड़े बोल में निकाल लिया है, और इसे हम इतना ठंडा कर लेंगे कि हम छू पाएं। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है इस मिक्सचर को, और तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब ताज़ा वाला नारियल, और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, साथ में 3 हैं। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 करी पत्ते लिए हैं। अगर हम करी पत्ते चटनी में डालेंगे तो इस चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो करी पत्ते यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही यूज़ करने हैं हमें, क्योंकि इस चटनी में मैं तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये करी पत्ते चटनी में ही डाल रही हूँ। तो इस तरीके से चटनी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ें डाल दी है। इसके साथ ही यहाँ पर डाल देंगे भुने हुए चने की दाल। तो ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो चने की दाल को हल्का सा रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं तवे पर। और ये मैंने 1/4 कप के करीब दाल ली है। साथ में यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और टोटल यहाँ पर मैं 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अगर आपका मिक्सर ठीक से ग्राइंड नहीं होता है तो इसमें आप थोड़ा पानी और डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है, और इस चटनी को निकालते हैं एक बोल में। और ये हमारी नारियल और करी पत्ते की चटनी बनके तैयार है, ये देखिए। और चटनी को रखते हैं साइड में, और हमारा जो सूजी वाला मिक्सर है वो भी ठंडा हो गया, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो इस मिक्सर को हमें बिल्कुल आटे की तरह गूंद कर तैयार करना है। तो इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काफ़ी सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, जिससे कि बहुत ही अच्छे टेस्ट आएगा हमारे मेदू बड़े में। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक, 1 इंच अदरक है जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे बहुत ही बारीक कट करके। यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप चिल्ली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी तीखा नहीं डाल रही हूँ। और इस पूरे मिक्सर को अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि नमक हमने पहले से ही डाला हुआ है, तो नमक डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये बैटर, ये मिक्सर हाथ में चिपकता है तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, उसके बाद इसे आटे की तरह तैयार कर लें। और यहाँ पर मैंने इसे आटे की तरह गूंद कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके मेदू बड़े बनाएंगे। मेदू बड़े बनाने के लिए हाथों पे तेल लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सूजी वाला जो मिक्सर है हाथों पर चिपकता है, तो हाथों पर तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और हम इससे थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, और इसकी एक लोई बना लेंगे। तो रोटी से जो लोई बनाते हैं रोटी के लिए, उसे थोड़ी हमें बड़ी रखनी है, और इसे पूरा लड्डू की शेप दे देंगे गोल करके, और फिर उसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर दिया है, बिल्कुल लोई की शेप में आ गया है। तो जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है कि इसका साइज शेप कैसे रखना चाहते हैं। और बीच में हम उंगली पे थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरीके से इसमें सेंटर में होल कर देंगे। तो ये मैंने इसमें होल कर दिया है, और पीछे से भी इसे थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी मेदू बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से जो मेदू बड़े बनते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि बैटर जो हमारा है बिल्कुल आटे की फॉर्म में है।
तो गीला नहीं है, गीले बैटर में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती है बनाने में, तो बहुत ही आराम से कोई भी इसे एक बार में ही परफेक्ट बना लेता है। तो ये देखिए हमारा एक मेदू बड़ा बन के तैयार है, और मैं सारे मेदू बड़े इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने सभी मेदू बड़े बना लिए हैं, और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में, क्योंकि इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। और इन बड़ों को डीप फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, साथ में इसमें मैंने तेल डाल दिया है, और तेल को यहाँ पर हमें मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेल नहीं गरम करेंगे, तो मीडियम गरम करेंगे और इसे हम एक एक करके डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इन मेदू बड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो जितने भी एक बार में कढ़ाई में आ पाए उतने हम डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हमें जल्दी से पलटना नहीं है किसी भी स्पून या किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। थोड़ा सा जब ये क्रिस्पी हो जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे, क्योंकि अगर हम तुरंत ही इसे पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं और ये बबल्स भी थोड़े कम हो गए हैं, इस टाइम पे ही हम इसे पलट लेंगे। तो धीरे धीरे ही पलटेंगे, ये देखिए अगर पहले ही पलट देते तो ये टूट जाते। और इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सभी मेदू बड़ों को अलट पलट कर फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और ये हमारे सूजी के मेदू बड़े फ्राई हो गए हैं, बहुत ही सुंदर सा कलर आया है, और ऊपर की पूरी लेयर बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गई है, देखने से ही पता लग रहा है। तो मैं सभी को इस तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारे सूजी के मेदू बड़े और नारियल और करी पत्ते की चटनी बन के तैयार है। तो इस तरीके से ये ज़रूर ट्राई करें, ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच के लिए बनाएं, या फिर डिनर के लिए स्नैक्स के टाइम पर बनाएं, कभी भी बनाएं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी है खाने में। और दिखाती हूँ मैं इसका टेक्सचर अंदर से, ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुका है, और जब ये चटनी के साथ खाया जाएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से मेदू बड़े और चटनी की रेसिपी, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब बना लेते हैं प्याज टमाटर की चटनी, और इस चटनी को बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है, और इस पैन में डाल लेते हैं तेल। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे सरसों के दाने, तो आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सरसों के दाने। साथ में यहाँ पर डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, तो यहाँ पर लाल मिर्च को मैंने तोड़ के लिया है, तो ये डाल लेते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चने की दाल। साथ में कुछ करी पत्ते भी डाल देंगे, और कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज करेंगे गोल्डन कलर आने तक। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। तो सभी चीज़ें हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा कट करके सभी चीज़ों को डाल दिया है। इसके साथ इसमें डाल दिया मैंने पानी ताकि जल्दी से गल जाए। साथ में यहाँ पर नारियल भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा कच्चा, और यहाँ पर ये मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। साथ में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि अच्छा कलर आएगा हमारी चटनी में। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी, ताकि ये चटनी जो हमारी खट्टी मीठी तीखी हो जाए। और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सांभर मसाला, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ज़रूर डालें ये सांभर मसाले चटनी में, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, गल नहीं जाते तब तक। और बीच में इसे हम 2 से 3 बार चला लेंगे। तो मैं इसे कवर करके पका लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज टमाटर हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे भून के तैयार कर लेना है। इसके बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। तो इसे मैं अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, इसके बाद इसकी चटनी तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्याज टमाटर का जो मिक्सचर है पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, और सभी को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, और इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे पीस लेती हूँ, और ये हमारी प्याज टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। तो इस चटनी को भी आप इडली डोसे के साथ इंजॉय करें, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में।